मैं हूं मुज्तबा। आज हम एक्सलेशन पढ़ेंगे। एक्सलेशन बुनियादी तौर पे वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डायरेक्शन है। तो एक्सलेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। क्या मायने हैं? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी दो वेलोसिटीज का जो डिफरेंस है वो है। नॉर्मली हम ये लिखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट विद इनिशियल वेलोसिटी और रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अपॉन टाइम। तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगी। इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वो कैसे आता है? वेलोसिटी का बेसिकली मीटर पर सेकंड है और पर सेकंड टाइम का है, क्योंकि नीचे है तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बुनियादी तौर पे जो चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक्सलेशन कहलाती है। तो यूनिफॉर्म एक्सलेशन क्या है? अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सलेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। एक ही रेट पे जो चेंज आएगा, मसलन 1 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है वो हर 1 मीटर या 2 मीटर पे जो चेंज आएगा टाइम का वो एक्सलेशन कहलाएगी। नॉन यूनिफॉर्म में आपको मालूम है, जब आप गाड़ी रोड पर लेकर आते हैं तो जो खाली रोड है उस पे आपकी रफ्तार ज़्यादा होती है, और जो क्राउडेड रोड होती है उस पे ज़रा आपका मामला बदल जाता है कि ट्रैफिक होता है तो स्पीड नहीं दे सकते, आगे गाड़ियाँ होती हैं तो गाड़ी कभी स्लो हो जाती है और कभी तेज़ हो जाती है, कभी मीडियम पेस पर होती है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन होती है उसकी। आगे चलते हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया था वो एक्सलेशन थी, और एक्सलेशन का एक और नाम जो है वो रिटार्डेशन या डी एक्सलेशन और नेगेटिव एक्सलेशन। ये बुनियादी तौर पे उस वक्त जब वेलोसिटी के अगेंस्ट में, अब वेलोसिटी के अगेंस्ट में कैसे आते हैं? वेलोसिटी के अगेंस्ट में इस तरह आते हैं कि आप अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं एक वेलोसिटी पे और आप एक्सीलरेटर से पैर हटाते हैं, तो वो बैक पे यानी कि आपकी तरफ रुख करता है और वेलोसिटी की डायरेक्शन फॉरवर्ड की तरफ होती है, तो हम उसको कहते हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो और गाड़ी स्लो डाउन भी हो जाती है, उसमें हम ये कहते हैं कि रिटार्डेशन या डी एक्सलेशन है। उसके लिए क्या कहते हैं? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस देन एक्सलेशन इज पॉजिटिव, एंड इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस द एक्सलेशन इज नेगेटिव। यानी आपने जिस वेलोसिटी को बढ़ाया हुआ है उसको अगर आप पीछे कर देंगे, यानी 100 से 70 पे ले आए, 80 पे ले आए, तो वेलोसिटी बैक पर आएगी तो एक्सलेशन डिक्रीज कर जाएगी। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि अगर उसकी डायरेक्शंस जो हैं एक ही डायरेक्शन में हो, यानी कि डायरेक्शन का मतलब कि वेलोसिटी का रुख और एक्सलेशन का रुख, जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए स्पीडिंग का, तो ये एक्सलेशन का राइट साइड पे मूव कर रहा है एरो और वेलोसिटी का भी राइट साइड पे, दैट इज अ पॉजिटिव। लेकिन अगर ये नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है और वेलोसिटी भी नेगेटिव की तरह है, तब भी स्पीड अप होगी, क्योंकि कभी कभी हम नेगेटिव साइड भी ले लेते हैं। तो इसका मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब यह है कि वो स्पीड अप हो रहा होगा। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये नेगेटिव एक्सलेशन है, या हम कहेंगे ये स्लो डाउन हो रहा है। तो एक गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा हो रही है तो उसको हम स्पीडिंग अप के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, यानी कि एक्सलेशन और वेलोसिटी एक ही रुख पर हों, एक ही सिम पे हों, वेलोसिटी की भी रफ्तार हो और साथ में जो पेडल है वो भी आप फॉरवर्ड हो, या अगर बैक साइड पर है तो एक ही डायरेक्शन में हो, तो वो स्पीड अप ही कहलाएगी, और ऑपोजिट डायरेक्शंस हमेशा स्लो डाउन करेंगे। इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक्सेलरेशन के हवाले से हमारे पास दो न्यूमेरिकल्स हैं, सिंपल हैं, ऐसा इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इसको समझना चाहेंगे कि ये कैसे हल होंगे। तो पहला वाला सवाल है, अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो गाड़ी चूंकि चल रही है, तो हम इसमें वी आई लेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। अप्लाई द ब्रेक, अप्लाई ब्रेक जो है, और ब्रिंग टू रेस्ट, रेस्ट इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो आ जाएगी। और हमारे पास इसमें और देखें, हमारे पास और क्या चीज़ है, हमारे पास टाइम है, टाइम हम लिखेंगे 10 सेकंड्स। और हमने मालूम क्या करना है, रिटार्डेशन।
दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। सो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है जिसको रिटार्डेशन कहते हैं, तो ए से ही मेंशन करेंगे, बिकम्स द क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या बन सकता है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, जीरो। वीआई हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी है, और टाइम क्या है हमारे पास 10 सेकेंड्स का है। इस 20 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये -20 हो जाएगा और ये 10a हो जाएगा। सो a निकालने के लिए हम लिखेंगे -20/10, दिस बिकम्स a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन। तो ये हमारे पास स्लो डाउन हो रही है, तो हमें खुद ब खुद ये मालूम चल गया न्यूमेरिकली कि ये इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से स्लो डाउन हो रही है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं, और वो ये कहता है अ कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर गाड़ी मूव कर रही है तो अल्टीमेट हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अप्लाई ब्रेक्स, जैसे ही अप्लाई ब्रेक्स की और कम टू रेस्ट हुआ तो ये कीवर्ड जो है ये हमें शो करता है कि VF हमारे पास ज़ीरो है, और टाइम क्या है हमारे पास 20 सेकेंड्स का, तो 20 सेकेंड्स लिख दिया। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमने ये मालूम करना है कि एक्सेलरेशन क्या है, फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास। सो हम लिखेंगे VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF हमारे पास क्या है, ज़ीरो। VI हमारे पास क्या है, 10, प्लस A लिखेंगे और ये 20 सेकेंड्स आ गया। तो ये 10 उधर शिफ्ट हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 20A। सो A इज इक्वल टू -10/20, दिस बिकम्स -1/2 और -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी रिटार्डेशन में आएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन में रिटार्डेशन लिखने के बावजूद भी अगर एक्सेलरेशन भी लिखा हो तब भी आपका नेगेटिव साइन शो करेगा, जो इसमें डिस्कस हो चुका है कि ये नेगेटिव साइन बताता है कि डी एक्सेलरेट कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि एक्सेलरेशन के हवाले से आपको ये बात समझ आ गई होगी।